लाहौर में बच्चे के अख्वाब बरात आवान के बाद कत्ल का एक और वाक्या सामने आया। 20 रोज़ कबल 10 लाख रुपए तावान के लिए अख्वा होने वाले 12 साल हसन की लाश आशियाना हाउसिंग स्कीम से बरामद हुई। अख्वाकार चचाजाद भाई निकले। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजिम साजिद की निशानदही पर पुलिस ने लाश बरामद कर ली है। इसी पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, 20 रोज़ कबल थाना हेर के हदूद से अगवा होने वाला अली हसन की जो लाश है वो पुलिस ने थाना नश्तर के हदूद में वाकया जो आशियाना स्कीम थी उसके प्लॉट से बरामद किया है। पुलिस ने मुलजिम साजिद की निशानदेही पर अली हसन के जो जिस्म के अज़ा ढांचे और हड्डियां जो थी बरामद की थी। मुलजिम साजिद ने बच्चे को अगवा करने के बाद 10 लाख रुपये तावान का मुतालबा किया और तावान भी वसूल कर लिया, लेकिन बच्चे को जला कर उसको जो है वो प्लॉट में फेंक दिया। बच्चे मगवी बच्चे अली हसन के जो वालिद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जैब कुआ पर, जहाँ पर इस वक्त ट्रांजिट टीमें पहुँच चुकी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अगवाकारों की इनसे क्या बात हुई, किस तरह बच्चा अगवा हुआ और इन्होंने किस तरह से जो था वो तावान उनको दिया। सर बताइएगा, ये मुलजमान कौन थे, कैसे उन्होंने अगवा किया, क्या आपसे मुतालबा किया, पुलिस ने क्या किया? फिर देखिए, जिस दिन बच्चा हमारा अगवा हुआ, हम घर कोई, क्योंकि मेरा भाई भी नहीं था, वालिद भी नहीं है, मैं भी शादी में था, और शाम को मेरे दोस्त को कॉल आती है, उसने उससे नंबर लिया मेरा, तो वो PTCL नंबर का कॉल है। तो हमें शादी से बाद हम घर आए हैं, तो हमें आपका बच्चा नहीं था, तो मुलजमान ने क्या आपसे तमान का मुतालबा किया? वो कल परसों मुझे मैसेज आया कि आपका बच्चा हमारे पास है, 10 लाख रुपए का अरेंज कर लो, वरना सारी ज़िंदगी के लिए पछताओगे। तो मैंने अपने वालिद साहब को भी नहीं बताया, मैंने अपने बहन भाई से जाके मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए यार, उसने पैसे मुझे दिए, मैंने फिर उन्होंने फिर मैसेज किया है हाँ पैसों का अरेंज हुआ कि नहीं। हमने पुलिस वाले अफसरों को भी बताया कि पैसे हमने उन्होंने पैसों की डिमांड की है, तो वो बाद में हमने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वो मैसेज करते रहे, मैंने कि मैसेज मेरे से मैसेज नहीं होते, मैं आपने तवान दे दिया था उनको? हाँ, तवान उन्होंने दे दिया। उसके बाद कैसे पता चला कि बच्चे की लाश को जला के यहाँ पे फेंक दिया गया? फिर वो जो नंबर से कॉल कर रहे थे वो अफसर, पुलिस वाले अफसर, वो ट्रेस करते रहे उन्हें कि ये किन किन से रबते में हैं। फिर वो मुलजमान कौन है, आपके क्या लगते हैं? वो चचाजाद भाई हैं। ठीक है, आप लोगों का उसमें तनाज़ा था कोई, जो उन्होंने इतने इनका तनाज़ा चल रहा है? जी देखिए, सगे चचाजाद भाई थे जो जिन्होंने ज़मीन के तनाज़ा के बाद इस हद तक रंजिश पहुंची कि उन्होंने बच्चे को अगवा किया, अगवा के बाद तवान का मुतालबा किया और 20 रोज़ तक बच्चे को अपनी अगवा करके रखा और 2 रोज़ कबल उसको जो था वो उनके वालिदैन से 10 लाख रुपए तमान का मुतालबा किया। मुतालबा करने के बाद बच्चे को जलाकर यहाँ पर फेंक दिया। पुलिस ने एक मुलजिम साजिद को तो हिरासत में ले लिया, बाकी जो मुलजमान थे वो इस वक्त फरार हैं। फ्रांसिक टीमें और दीगर तहकीकती टीमें मौके पर मौजूद हैं। बच्चे के जिस्म के अज़ा, उसके जिस्म की हड्डियाँ, ढांचे यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस जो है वो यहाँ से शवाहद इकट्ठे कर। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान।